ओ राम राम, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? और ये नीरू दीदी भी आपको हेलो कर रही है, और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हमारी क्या है वह दीदी, पार्टी है, टी पार्टी। शहरों में यही चलता है, कोई जब इनवाइट करते हैं तो तभी उन्हीं के घर में जाते हैं, गाँव में तो ऐसे भी चले जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसे कि जब कोई टी पार्टी इनवाइट करते हैं उसको टी पार्टी, वो गेट टुगेदर बोलते हैं इसको, मिलना जुलना। इस बहाने हम लोग का सबको मिलना हो जाता है। हाँ, तो गाँव में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने अगर वो बुलाएगा तभी जाएंगे हम घर, वहाँ पे तो ऐसे भी चले जाते हैं। हम लोग मिलते हैं पर और लोग बिजी रहते हैं ना, उनके हिसाब से उनके घर में जाना पड़ता है। तो आज हम देखते हैं टी पार्टी में क्या क्या होता है। आज दूसरी टी पार्टी है हमारी। हाँ, है ना, अरे अभी और ड्यू है। हाँ, और ये देखो, ऑलवेज यंग एंड यंग। और उषा मैम, उषा मैम तो इनकी बहुत तारीफ करती रहती है। हाय उषा। हाँ, तो मैं अब इनके गार्डन का वो दिखाती व्यू, और मैं जहाँ मैं हूँ वहाँ गार्डन ना होगा ऐसा हो सकता है? सकता, मैं हर जगह ढूंढ लेती हूँ। तो अभी दीदी ने ये लगभग 2-3 महीना हो रहा है ना, ये मधुमालती का पौधा लगाया था, तो इसमें देखो कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं। ये देखिए, दीदी को भी शौक चढ़ गया हमारे गार्डनिंग देख के, गार्डनिंग को देख के, तो दीदी ने हमसे ज़्यादा गमले रख दिए। और वो देखिए रोज, वाइट कलर के रोज, वाइट तो नहीं है दीदी, ये लाइट पिंक था ना, बेबी पिंक, पिंक। हाँ, तो ये कलर चेंज हो चुका है इसका। तो ये है दीदी का बगिया, कुछ ऐसा दिखता है ये बगिया। ये अमरूद के पेड़ है दो, छोटा सा बगीचा है ये, और ये नीम का है, इतना बड़ा पेड़ हो गया है। यहाँ वैसे लगभग सभी का ऐसे ही है, घर के बाहर छोटे छोटे गार्डन है, तो यहाँ पे तो इतने बड़े गार्डन तो होते नहीं, जगह ही छोटी रहती है, तो लोगों ने फिर भी गार्डन किया हुआ है, सारी चीज़ें लगा रखी है हर गार्डन में। तो अभी और आए नहीं, हम दोनों आवारा आ चुके हैं, जो कि गली में फर्स्ट निकल जाते हैं। तो आपसे वहीं पे मिलते हैं जिनके घर में टी पार्टी है। हमारी करवा चौथ के बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो शॉपिंग हो चुकी है लगभग सभी लेडियों की, और आपने मेहंदी वाले बुला रखे घर में? मैंने बुलाई है, खुद की वजह से। कौन? अच्छा, तो आप कह रहे थे कि वो डॉग लापता हो चुका है। हाँ, वो वाला, ग्रे तो वाला। ये वाला आ चुका। अच्छा, वो ग्रे वाला। सा, हाँ, हाँ। अच्छा, तो हमारा ये कॉलोनी से एक डॉग वो है, मिस है, तो पता नहीं कहाँ चला गया, परसों तक यही था, और अब ये दो डॉग बचे हुए हैं। शायद ये दीदी कह रही थी उसकी तबीयत खराब थी। डॉग वैसे यहाँ पे नहीं मरते ना, और मरने के लिए दूर ही जाते हैं। हाँ, अगर उसको उठाते तो इन तीनों को उठाते कोई, अगर नगर निगम वाले का करते तो। और ये आ चुकी है निरंजन। हाँ, और अभी ये थर्ड लेडी आ चुकी है। बस ठीक है, वाह, आउट ब्यूटीफुल डिजाइनर, डिजाइनर निरंजन, जो कि एक डिजाइनर भी है, एक प्रोफेसर भी है, और एक गृहिणी भी है, सब चीज है, मल्टी टैलेंट। हाँ, तो अभी हमारे थोड़ा वीडियो बना रही थी, वो मिस्टेक हो गया है वीडियो बनाने में, तो हम तीन आ चुके हैं पार्टी के लिए, रेडी हो चुके हैं, और गली में पता नहीं कहाँ गए, तो चलते अभी और आते हैं, तो देखते हैं कितनी कितनी लेडी आ रही है। छोटा सा वीडियो मैं मोना के लिए भी बना रही हूँ। तो मोना, ये देखिए अपना घर, ये बडोला आंटी ने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखा प्लांटों को, और केयर तो काफ़ी अच्छा करती आंटी भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे क्लोन में हर किसी को गार्डनिंग का शौक है। तो ये देखिए गार्डन में, ये सॉरी, जब हम क्लोनी के बाहर निकलते हर जगह हरियाली हरियाली दिखती है। और अभी इन्होंने ये आम के पेड़ों की कटिंग कर रखी है, काफ़ी बड़े हो चुके थे तो इनमें काफ़ी आम आते हैं, और एक आम का पेड़ ये है, इनके दो आम के पेड़ हैं, और ये गार्डन है ये, और ये है। हाँ, कहाँ है पैसे का? ये मैं मोना के लिए बना रही हूँ ये वीडियो, तो आज दिखाती हूँ मैं आपको पैसे का पेड़। ये देखिए, यहाँ देखो आंटी ने रुके हुए, वो पैसे भी क्या हो गए, पूरे कपड़े में धुले होंगे ना, वो पूरा रगड़ मार दिया।
और यहाँ देखो इन्होंने पीपल का पेड़ भी लगा रखा है इसमें, वैसे बोलते ना पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाते हैं पर ये पूजा करते होंगे तो घर से थोड़ा दूर लगाना चाहिए। और इन्होंने ये देखिए आंटी ने बरामदे में घना जंगल बना रखा है। यहाँ पे मिलन हो रहा है, चलिए आंटी जी मिलन हो रहा है, मिलन चलिए। मैं एक टाइम आई हूँ, क्या भाई खुशबू आ रही है, क्या बना रही है, हैं? नहीं 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 रहने दो, रहने दो, नहीं। ओ एक्वेरियम देखो, तो अभी यहाँ पे आ रखे हैं बडूला आंटी जी। आंटी हेलो तो करो, मोना भी देखेगी। और ये तो जगत माता सबको पता है, ये तीरांजन है और ये रचिता है जिनके घर में हमने पिछले महीने टी पार्टी की थी। और ये है पूजा का घर। पूजा ये बता सकते हैं क्या है ड्रिंक में? ये पिंक पिंक है, डिटॉक्स है, डिटॉक्स बीटरूट अदरक, ये होममेड है। ओ वाह अच्छा ड्रिंक है। यहाँ पर तो एक से एक बढ़ के टैलेंट है सब में होममेड चीज बनाने का। और एक मेंबर और आ चुकी है बबली सिंह। रचिता आज चुप चुप है, क्या बात है? अभी हमारी चाय के साथ है ढोकला है ये, और ये पोहा है, और ये पूजा ने घर में ही बनाया है। और ये है इसको क्या बोलते हैं, नमक पारे, नमक पारे। अच्छा अब आंटी बताएं। और इसमें नमकीन है, ये बिस्किट्स है, और ये चॉकलेट है, और ये नमकीन है, होममेड दोची और चटनियाँ, ये है चटनियाँ। और इन चीज को खाने वाले ये है देख लो सारे। और मैं भी हूँ इसको खाने के लिए, इतनी सारी चीजें हैं। पारुल तो आई नहीं है, मिस यू पारुल। आ चुकी है पारुल मैम। और ये देखिए भाग रही है उधर, तो कभी कभी आती है वीडियो में और ऐसे भाग रही है मिस पारुल। पार्टी क्लोज हो चुकी है, हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। ऐसे कैसे अंधेरा अंधेरा।